हेलो एवरीवन। तो हम लोग आज के सेशन में जो हमारा टॉपिक चल रहा था फाइटो हार्मोन, उसे खत्म कर देंगे, है ना। खत्म कर देंगे मतलब टॉपिक को खत्म कर देंगे, ठीक है ना। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ऑक्सिन हार्मोन के बारे में कंप्लीट बातें डिस्कस कर ली। इसके अलावा हम लोगों ने जिबरेलिक एसिड के बारे में डिस्कस की थी, जिसे हम जिबरेलिन बोलते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने साइटोकाइनिन के बारे में डिस्कस कर ली। होप सो गाइस कि आप लोगों ने इन तीनों हार्मोन के नोट्स को टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड करके रिवाइज कर लिया होगा, हमारे वीडियोज लेक्चर को देख लिए होंगे। और आज मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे 25 MCQ प्रोवाइड करूंगा, जो आपके PGR प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जिसको हम फाइटो हार्मोन के नाम से जानते हैं, इन पे बेस्ड होगा। तो इसे आप अटेम्प्ट कीजिएगा और देखिएगा कि कितने क्वेश्चन आपसे बन पा रहे हैं। और आपको पता होगा कि आप जब PYQ सॉल्व कर रहे होंगे किसी एग्जाम के, तो आपको एक छोटी सी दिक्कत आ रही होगी कि आपको कई बार देखेंगे तो प्रीकर्सर से क्वेश्चन पूछा गया है। हर एक हार्मोन के प्रीकर्सर के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आज सबसे पहले हम उसी को डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम अगेन आपके जो दो हार्मोन बचे हुए हैं, एक आपका बचा हुआ है आई थिंक इथाइलिन बचा हुआ है, दूसरा आपका एक एब्सेसिक एसिड बचा हुआ है, ठीक है। तो इसके बारे में हम आज डिस्कस कर लेंगे कंप्लीट बातें। दैट मीन्स कि आज आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो कृपया जाके इसे ज्वाइन कर ले, ठीक है। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रीकर्सर के बारे में, ठीक है। तो आपको पता है जैसे कि अगर मैं बात करूं इंडोल एसिटिक एसिड, आपको मैंने पहला लेक्चर बताया था कि इंडोल एसिटिक एसिड एक ऐसा हार्मोन है, ये एक नेचुरल हार्मोन है जो प्लांट के अंदर बनता है, इनसाइड बनता है। दैट मींस कि ये कैसा नेचर का होता है, बताओ मेरे को, ये कैसा नेचर का होता है भाई, आप मुझे सोच के बताएंगे, क्योंकि मैंने आपको वहां पे बार बार बताया था कि ये कैसा नेचर का होता है, ठीक है। चलिए वेरी गुड, ये ऑर्गेनिक नेचर का होता है सर, क्योंकि प्लांट के अंदर बन रहा है ना भाई, तो ऑर्गेनिक होगा, भूल जाते हो आप तो। चलिए, तो इंडोल एसिटिक एसिड की बात करें तो इसका जो प्रीकर्सर होता है वो होता है ट्रिप्टोफैन। इसको आप एज इट इज रट चाहिए, ठीक है। यहां से क्वेश्चन 100% पूछा जाता है कि IAA या फिर ऑक्सिन की बात करें तो इसका प्रीकर्सर कौन होता है, प्रीकर्सर तो ट्रिप्टोफैन होता है, ठीक है। दूसरा बात करें अगर हम जिब्रेलिन का, ठीक है, अगर हम जिब्रेलिन की बात करें तो इसका प्रीकर्सर हम मानते हैं मेवेलोनिक एसिड को, ठीक है। मेवेलोनिक एसिड जो है वो इसका प्रीकर्सर है, ठीक है। तीसरी बात करें अगर हम साइटोकाइनिन, तो इसका प्रीकर्सर हम मानते हैं फर्फ्यूरेल को, ठीक है। चौथा बात करें एब्सेसिक एसिड, तो इसका जो प्रीकर्सर है वो है वाइलोजेंथिन, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूं इथाइलिन, तो इसका प्रीकर्सर है आपका मिथियोनिन, ठीक है। इसमें आपको दो है, एक है बेटा एलनिन और आपका आइसो अमाइल अल्कोहल। तो ये अगर जाके क्वेश्चन डेप्थ में पूछेगा तो ये इसको आप रिप्लाई कीजिएगा, वैसे इसको एक बार दिमाग में रखिएगा, लेकिन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो ये आपको याद होना चाहिए कि इंडोल एसिटिक एसिड या फिर ऑक्सिन का जो आपका प्रीकर्सर है वो ट्रिप्टोफेन है, है ना। जिब्रेलिन का जो आपका प्रीकर्सर है वो मेलबोनिक एसिड है, इसके अलावा साइटोकाइनिन का फर्फ्यूरल है, एब्सेसिक एसिड का वाइलोजेंथिन है, एक ही में, ठीक है, वाइलोजेंथिन। इथाइलिन की बात करें तो मिथियोनिन है, इसमें आपका बेटा एलालिन आता है और आइसोअमाइल अल्कोहल आता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, यहां सब देखेंगे 2 से 3 क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम पूछा गया है, ठीक, इस सब याद रखिएगा। चलिए आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे जो हम डिस्कस कर रहे थे। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे आपका जो रिमेनिंग दो हार्मोन बचा हुआ है, एक एब्सेसिक एसिड और दूसरा आपका इथाइलिन, ठीक है। देन हमारा चैप्टर ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इस सब अच्छे तरीके से देख लीजिएगा ना, क्योंकि हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है आपका। तो चलिए डायरेक्ट टॉपिक ABA, दैट इज एब्सेसिक एसिड, ठीक है। नो, सबसे पहला क्वेश्चन आप देखिए, डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपको मिला होगा, विच वन ऑफ द फ्लोइंग हार्मोन इज नोन एज स्ट्रेस हार्मोन। तो भैया इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। दूसरी बात कि
ये कब सिंथेसिस होता है? तो याद रखिएगा, जब ड्राउट आ जाता है ना, इफ ड्राउट अकर देन ए बी ए दैट इज कॉल्ड एब्सिसिक एसिड सिंथेसिस। ठीक है, तो जब ड्राउट आ जाता है मतलब सूखा पड़ जाता है, तो उस केस में प्लांट के अंदर ये जो है वो हार्मोन सिंथेसिस होना स्टार्ट हो जाता है। तीसरी अगर बात करें तो इससे ये क्या करता है, रिड्यूस कर देता है भाई। अब क्योंकि ड्राउट आ चुका है तो क्या करेगा प्लांट भाई, पानी को कम से कम वेस्ट करना होगा। अब पानी को कम से कम वेस्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो एस्टोमेटा है लीफ के अंदर उसे क्या करना है, क्लोज कर देना है। तो ये क्या करेगा, एस्टोमेटा को क्लोज कर देगा और रिड्यूस कर देगा क्या, ट्रांसपिरेशन रेट। ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन रेट को क्या करता है, ये रिड्यूस कर देता है। चौथा, ये डोरमेंसी को भी इंड्यूस कर देगा, डोरमेंसी को ये क्या करता है, इंड्यूस कर देता है, डोरमेंसी को स्टार्ट कर देगा प्लांट के अंदर, ताकि पानी कम से कम खपत हो, क्योंकि भाई बाहर क्या आ गया है, ड्राउट आ चुका है। ठीक है, ठीक है, इसको मैंने बताया आपको कि एस्टोमेटा क्या करता है, क्लोज कर देता है, एस्टोमेटा को ये क्लोज कर देगा। इसके अलावा क्या करता है सर, तो ये याद रखिएगा, ये क्या करता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये इनिबिट कर देता है क्या, ग्रोथ ऑफ पैथोजन। अगर पैथोजन आपके ग्रो कर रहे हैं प्लांट्स के ऊपर, तो उससे ये क्या कर देगा, इनिबिट कर देगा। इसके साथ देखा होगा आप लोगों ने, पतझड़ का जब मौसम आता है, तो क्योंकि उस टाइम पानी की थोड़ी कमी हो जाती है, स्ट्रेस कंडीशन आ जाता है, सूखा पड़ जाता है, तो उस केस में भाई डिफोलिएशन में हेल्प करता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये डिफोलिएशन में भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पत्ते सारे इसके क्या करें, प्लांट के सारे पत्ते जो है वो गिर जाएंगे। ठीक है, ताकि ट्रांसपिरेशन कम से कम हो, पानी हमारा वेस्टेज ना हो। इसके अलावा ये क्या करेगा, एक एब्सिसन है ना, एब्सिसन क्या लेयर बना देता है फ्रूट्स के ऊपर और फ्लावर्स के ऊपर, ताकि उनका जो सेल्फ लाइफ है वो बढ़ सके। तो क्या करेगा, ये फ्रूट्स के ऊपर एब्सिसन लेयर को बना देता है। कहां पे सर, ये फ्रूट्स के ऊपर बना देगा और फ्लावर के ऊपर बना देगा, ताकि इनका सेल्फ लाइफ जो है वो बढ़ सके। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई आपको? ठीक है, और एक बात जो कि इंपॉर्टेंट है, इससे हम एंटी जिब्रेलिक हार्मोन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्या आप कोई हैं जो आप इनका लॉजिक बता सकते हैं कि इन्हें हम एंटी जिब्रेलिक हार्मोन क्यों बोलते हैं? तो मैं आपको बताता हूँ क्यों बोलते हैं, बट अभी देखिए इसमें आपको याद क्या रखना है, कौन कौन पॉइंट आपको भूलनी नहीं, स्ट्रेस याद रखना है कि इसे हम स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है कि ये डोरमेंसी को इंड्यूस करता है। इसके अलावा आप याद रख सकते हैं कि ये वाला पॉइंट, जब ड्राउट आता है तो ये हार्मोन हमारा सिंथेसिस होता है प्लांट के अंदर, डिफोलिएशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पूछा गया है, डिफोलिएशन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो आपका एबीए। इसके अलावा आप ये याद रख सकते हैं, एंटी जिब्रेलिक हार्मोन बोलते हैं इसे। ठीक है, एंटी जिब्रेलिक हार्मोन हम इसे बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम एंटी जिब्रेलिक हार्मोन क्यों बोलते हैं, तो आप देखिए होंगे कि जो आपका जिब्रेलिन हार्मोन था, कहीं ना कहीं वो आपको इंड्यूस करवा रहा है, साथ में देखेंगे तो वो आपको डोरमेंसी को क्या करता है, रिड्यूस करता है, सीड के जर्मिनेशन में हेल्प करता है, लेकिन यहाँ सारे काम उल्टा कर रही है। मतलब अगर जिब्रेलिन हार्मोन इंड्यूस करवा रहा है तो रिड्यूस करवाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जस्ट उल्टा काम करता है आपका जिब्रेलिन से, इसलिए इसको हम एंटी जिब्रेलिक हार्मोन बोलते हैं। बात समझ में आ गया? चलिए, तो इतने पॉइंट आपको भूलना नहीं है फ्रेंड्स, बार बार इसको रिवाइज कीजिए, आपको याद हो जाएगा। नो आते हैं अपने जो लास्ट हार्मोन है, दैट इज इथाइलिन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और वहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आप देखेंगे तो फ्रीक्वेंट पूछा गया है। ठीक है ना, नो चलिए टॉपिक डालिए इथाइलिन। इसमें कुछ ही पॉइंट आपको याद रखनी है, सारे पॉइंट इसको सारे आपको याद नहीं रखनी है। ठीक है, याद रखिए, सबसे पहली बात याद रखिएगा कि ये गैसियस नेचर का होता है। ठीक है, ये आपका गैसियस नेचर का होता है, कोई कलर नहीं होता, दैट मीन्स कि ये कलर लेस होता है। इसके साथ आप याद रखिएगा, ये वोलाटाइल नेचर का होता है, उड़नशील नेचर का होता है। ठीक है, इसके साथ आप याद रखिएगा कि ये इफेक्टिव होता है कब, जब इस
का जो कंसंट्रेशन है वो 0.01 से लेके 1.0 ppm होगा। तो जब इसका कंसंट्रेशन कितना होता है 0.01 से लेके 1 ppm होता है तो ये काफ़ी इफेक्टिव होता है, काफ़ी अच्छा से ये काम करेगा, ठीक है। तो इसका कंसंट्रेशन आप रखिएगा 0.01 से लेके 1.0 ppm, ठीक है, याद रखिएगा यहाँ तक। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट कि सर इसका यूज़ क्या करते हैं वो तो बताइए, ठीक है। इतना कंसंट्रेशन हम यूज़ करेंगे लेकिन कहाँ यूज़ करेंगे? भैया आप अपने घर में लाइक ये आपका मैंगो का प्लांट है, ऐसे होता नहीं है बट समझ चलिए मैंगो का प्लांट है, यहाँ से आप कच्चा मैंगो को तोड़ लेते हो, उसे फिर आप पकाते हो या नहीं पकाते हो? तो पकाने के लिए क्या यूज़ करते हो? इसी को तो यूज़ करते हो ना, ठीक है, इसी को यूज़ करते हो ना भाई, ठीक है। आप कच्चा बनाना बहुत लोग मैंगो नहीं तोड़ते होंगे तो आप भाई कच्चा कुछ भी ले आओ, तो उसे आप पकाने के लिए जिसको यूज़ करते हैं दैट इज़ इथाइलीन। तो हमको ये हेल्प करता है किस चीज़ में? आर्टिफिशियल राइपेनिंग में, ठीक है। कोई चीज़ को अगर आर्टिफिशियली हमको पकाना है तो उसके लिए हमारा इथाइलीन हार्मोन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है मोस्टली आपके क्लाइमेट्रिक जो फ्रूट होते हैं उसमें। अब इसको जिनको यह पता नहीं है कि क्लाइमेट्रिक फ्रूट क्या होता है, नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट क्या होते हैं, तो वही आप जाके हमारे हॉर्टिकल्चर वाले लेक्चर को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको सिर्फ इतने बातें आपको याद रखनी है, इथाइलीन से मिलता जुलता जो है कि गैसियस नेचर का होता है, कलरलेस होता है, वोलेटाइल नेचर का होता है, उड़नशील होता है। इसका जो कंसंट्रेशन है जिसमें ये अच्छा इफेक्टिव माना जाता है वो 0.01 से लेके 1.0 ppm होता है, और इसका यूज़ हम करते हैं आर्टिफिशियल राइपेनिंग में, ठीक है। किस कौन से फ्रूट को? क्लाइमेट्रिक फ्रूट को, है ना, समझ में आ गया। अब थोड़ा सा हम इतनी मतलब मोस्ट ऑफ टॉपिक खत्म हो गया, लेकिन किसी बच्चे का प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा सा मतलब एक डाउट पूछा था, उसको मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। देखिए वो डाउट ये था कि सर ग्रेविट्रोपिज्म क्या होता है, ग्रेविट्रोपिज्म, ठीक है। इसके अलावा वो उसने पूछा है सर हेलियोट्रोपिज्म क्या होता है, इसके अलावा पूछा है थिग्मोट्रोपिज्म क्या होता है। याद रखिएगा यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। चलिए और मैं बता ही देता हूँ, इसके अलावा क्या होता है, फोटोट्रोपिज्म भी होता है फ्रेंड्स, केवल तीन ही नहीं होते। इसके अलावा आपका ये ठीक है, इतने चार देखते हैं। तो देखिए हम बात करें पहला ग्रेविट्रोपिज्म क्या होता है, तो ग्रेविट्रोपिज्म की बात करें तो जो ग्रोथ है, ठीक है, अगर कोई प्लांट है उसका ग्रोथ जो है वो ग्रेविटी के अकॉर्डिंग हो रहा है, मतलब तो ग्रेविटी की तरफ हो रहा है तो वहां पे हम ग्रेविट्रोपिज्म बोलते हैं। तो अगर ग्रेविटी की तरफ हो रहा है, उसका जो ग्रोथ है वो ग्रेविटी की तरफ हो रहा है तो उसको हम ग्रेविट्रोपिज्म बोलते हैं। हेलियोट्रोपिज्म का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका सनलाइट। आपने देखा होगा कि जिधर जिधर हमारा सनलाइट सन जाता है उधर उधर जो सनलाइट का हेड है वो मूव कर जाता है, ठीक है। तो सन की तरफ बेंट होना उसे हम क्या बोलते हैं, हेलियोट्रोपिज्म बोलते हैं, ठीक है। मतलब जो ग्रोथ है वो लाइट की तरफ हो रहा है, ठीक, समझ में आ गया। तो वो भाई जो जान से बोला ताकि आप कंफ्यूज हो जाए, मैं बार अभी मैं जस्ट समझाया हूँ कि सनलाइट की तरफ आप मूव कर रहे हो ना तो वो फोटोट्रोपिज्म कहलाएगा, ठीक है। लेकिन जिधर जिधर सनलाइट मूव कर रहा है उधर उधर हमारा हेड मूव कर रहा है दैट इज कॉल्ड हेलियोट्रोपिज्म, ठीक है। और फोटोट्रोपिज्म का मतलब जिधर मान के चलिए ये आपका अंधेरा कमरा, एक कमरा था यहाँ खिड़की लगा हुआ है, खिड़की से सनलाइट आ रहा है, आपने अंधेरा में एक प्लांट लगाया हुआ है, डिफरेंस समझिए, ठीक है। मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ आपको, कंफ्यूज होइएगा मत। फोटोट्रोपिज्म का सिंपल सा मतलब है कि मान के चलिए कि आपने कमरा में एक प्लांट रखा था, बाहर की तरफ खिड़की थी और खिड़की से सनलाइट अंदर की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो प्लांट क्या करेगा, इधर ही बेंट होना स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज नोन एज फोटोट्रोपिज्म। लेकिन आप सनलाइट की अगर आप सनफ्लावर को देखेंगे तो यहाँ पे सन है तो इसका हेड इधर रहेगा, इधर आ गया तो इसका हेड इधर मुड़ जाएगा, दैट इज कॉल्ड हेलियोट्रोपिज्म। होप सो गाइस आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं थिग्मोट्रोपिज्म की तरफ क्या होता है। तो अगर जो आपका प्लांट है या फिर कोई ऑब्जेक्ट है उसका जो मूवमेंट है वो सॉलिड ऑब्जेक्ट की तरफ है, तो थिग्मो का मतलब सिंपल रखिएगा कि उसका मूवमेंट अगर सॉलिड ऑब्जेक्ट की तरफ हो रहा है तो उसको हम थिग्मोट्रोपिज्म बोलते हैं। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर ग्रेविटी की तरफ हो रहा है तो आपका ग्रेविट्रोपिज्म होता है। सनलाइट की तरफ अगर
प्रॉपर बेंड कर रहा है उसका, जिधर इधर सनलाइट उधर उधर इसका हैंड बेंड कर रहा है तो हेलियोट्रोपिज्म, अगर सॉलिड ऑब्जेक्ट की तरफ हो रहा है तो थिग्मोट्रोपिज्म, अगर सनलाइट की तरफ हो रहा है तो फोटोट्रोपिज्म। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, समझ में आ गया। और एक चीज आप याद रखिएगा, पैक्लोब्यूट्राजोल जो है उसका यूज हम करते हैं मैंगो में ताकि इंड्यूस हो सके फ्लावर, ठीक है, और जब फ्लावर इंड्यूस हो जाएगा तो डाइट सी बात है कि आपके जो फ्रूट्स हैं वो भी अच्छे आएंगे। तो पैक्लोब्यूट्राजोल का यूज हम कहाँ करते हैं, मैंगो में। क्यों करते हैं, फ्लावर को इंड्यूस करने के लिए, ठीक है। इज इट क्लियर एवरीवन, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो यहाँ तक हमारा जो कंप्लीट पीजीआर था वो खत्म हो गया है ना। अब आप किसी भी सेशन को आप अच्छे तरीके से अगर नहीं देखे होंगे तो उसे देखिए और अपने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर जरूर एनालिसिस कीजिए कि आपके क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। और मैं आपको 25 क्वेश्चन का एमसीक्यू टेलीग्राम पे प्रोवाइड करने वाला हूँ, उसे जाके अटेम्प्ट कीजिए। और ये क्वेश्चन कोई छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं होंगे, ये किसी न किसी अच्छे एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो आपका एफ ओ हो, जेआरएफ हो, एफसीआई हो, ठीक है। तो आप एक बार देखिए क्वेश्चन का लेवल क्या होता है और आप किस वे में तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आज एमसीक्यू के साथ जो आपका टेलीग्राम पे होने वाला है, ठीक है। टिल देन फ्रेंड्स अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।